नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब चरम पर आ गया है। दरअसल रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुगंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। इसके बाद से विवाद और बढ़ गया है। क्या है रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद की पूरी कहानी, जानिए रिटायर्ड मेजर अमित बंसल से। अमित बंसल विश्व की राजनीति व घटनाक्रम पर पैनी नजर रखते हैं। लगभग सभी मीडिया घरानों के लिए हिंदी व अंग्रेजी में अलग अलग विषय पर आर्टिकल लिख चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द सूत्रधार पर। सर, पूरे मामले को कहानी की तरह समझाएं हमारे दर्शकों को। दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज पूरे विश्व की पटल पर यूक्रेन की जो समस्या है वो एक बहुत गंभीर रूप से निकल करके उभर रही है, जो शायद एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ सकती है। तो आइए सबसे पहले इस यूक्रेन की समस्या को समझते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का एक बड़ा हिस्सा था, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुआ। और शायद रूस के बाद अगर हम इकोनॉमिकली देखें, अगर हम अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें, तो रूस के बाद यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जो सोवियत संघ से अलग हुई। एक बहुत बड़ी तादाद में नाभिकीय हथियार, एटम बॉम्ब्स, एटॉमिक वेपन्स जो थे वो भी यूक्रेन में थे। एक बहुत बड़ी तादाद में शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने की इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो यूक्रेन में एस्टेब्लिश की गई। क्यों? क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा इलाका था जो कि समुद्र से लगा हुआ था। इसका फायदा यूक्रेन को मिला। इसके अलावा यूक्रेन के साथ कुछ बहुत विशेष बातें जुड़ी हुई हैं। ये पूरे यूरोप में, आज हम यूक्रेन की जो स्थिति देखते हैं, यूरोप में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड है, खेती करने की लैंड है, तो वो यूक्रेन के अंदर है। इसके अलावा पूरे यूक्रेन में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो यूरेनियम की माइंस हो, वो सबसे अधिक यूक्रेन में है। और इसीलिए ये बातें यूक्रेन को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत के लिए बहुत ज्यादा लक्रेटिव, बहुत ज्यादा आकर्षक बनाती हैं, ताकि वो यूक्रेन में आकर के बैठे। अब हम बात करते हैं पिछले 15 सालों में हुई घटनाओं पर। चूंकि यूक्रेन शुरू से ही सामाजिक तौर पर और कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर रूस से जुड़ा रहा है, तो इसके शासक भी रूस से जुड़े रहे। ये ऐसा टाइम था जब अमेरिका ने अपना प्रभाव रूस के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की और उसको यूक्रेन के रूप में एक अच्छा साझेदार मिला। अमेरिका ने यूक्रेन के जो राजनीतिज्ञ थे उनको अपने पक्ष में करना शुरू किया। 2004 में जो यूक्रेन में सरकार आई वो किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत अमेरिका के पक्ष में थी, अमेरिका के फेवर में थी, और उन्होंने धीरे धीरे काम इस प्रकार के किए जिन्होंने अमेरिका को फेवर पहुंचाया। परंतु 2010 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति आए नए विक्टर, उन्होंने तो रूस को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि शायद यही यूक्रेन के इंटरेस्ट में भी था, यूक्रेन के लाभ के लिए यही जरूरी था कि वो रूस को सपोर्ट करें। 4 साल तक वो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद जो घटनाएं हुई फरवरी 2014 में, जिसको हम यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पूरी घटना का पासा पलट दिया। और आज जो हम घटनाएं देख रहे हैं डोनेट्स में, लुशांक में, कीव में, यूक्रेन में, ये सब घटनाओं की जो पटकथा थी, ये मेरे विचार से 2014 में यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन के टाइम लिखी जा चुकी थी। अब समझते हैं यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन में हुआ कि कहीं से अचानक बहुत सारे प्रदर्शनकारी आए जो हथियारबंद थे, आर्म्ड थे, और उन्होंने राजधानी कीव में जाकर वहां की संसद के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रदर्शनकारी थे ये थे तो यूक्रेनियन, बट इनको जो मदद दी गई थी, इनको जो सपोर्ट दिया गया था वो अमेरिका ने दिया था। इन प्रदर्शनकारियों ने संसद को बंधक बनाया और बंधक बनी हुई संसद से एक प्रस्ताव पारित कराया जिसमें राष्ट्रपति विक्टर को पद से हटा दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई, और यूक्रेन में पेत्रो पोरोशेंको, जिनको कि एक
अमेरिका का पिट्ठू माना जाता था उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। यहीं से इतिहास पलटना शुरू हुआ। रूस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी तो उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर क्रीमिया जो जगह है, क्रीमिया एक छोटा सा प्रायद्वीप है यूक्रेन का जिसमें 97% रशियन पॉपुलेशन रहती है, उन्होंने क्रीमिया के अंदर अपनी फौजें भेजी और क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने उसके बाद उनके ऊपर काफी सारी सैंक्शंस भी लगाई, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई, बट रशिया ने 2 साल के अंदर अंदर वो सैंक्शन से दूर हो गए। यूक्रेन की सरकारें फिर भी नहीं मानी, वो लगातार अमेरिका के सपोर्ट करती रहीं, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट करती रहीं, और ये ऐसी चीज थी जो कि रशियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं थी। रशिया अपने ऑयल की पाइपलाइन यूरोप में ले कर रहा था, रशिया अपनी गैस की पाइपलाइन यूरोप में ले कर रहा था, और ये सारी पाइपलाइनें यूक्रेन के थ्रू जानी थी, और ऐसे में यूक्रेनियन सरकार का समर्थन बहुत जरूरी था। और जब यूक्रेन की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए रशिया ने अपने कार्रवाई शुरू की। जो यूक्रेन के टोटल 24 प्रदेश हैं जिनको हम बोलते हैं ओब्लास्ट्स, इन 24 ओब्लास्टों में से 8 ओब्लास्ट ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में रशियन पॉपुलेशन रहती है। रशियन पॉपुलेशन चाहती थी कि यूक्रेन रशिया के साथ रहे, तो इसीलिए इन लगभग सारे ओब्लास्टों में जो रशियन पॉपुलेशन थी उसने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया। शुरू में यह विद्रोह था प्रोटेस्टों के, प्रदर्शनों के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे इन विद्रोहों ने थोड़ा सा हिंसक रूप ले लिया, लोगों ने हथियार उठा लिए और धीरे 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 इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 2 इलाके इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट थे, डोनेट्स्क और लुशंक। इन दोनों इलाकों को जो यहां के विद्रोही थे उन्होंने कब्जा किया, विद्रोहियों को रूस ने सपोर्ट किया, और फिर धीरे धीरे आगे चल के इंटरनेशनल पावर्स ने भी मीडिएट किया, लेकिन चीजें कहीं आगे बढ़ नहीं पाई। अब हम बात करते हैं जो आज की सिचुएशन है। आज की सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई आज से लगभग 4 महीने पहले, जब रूस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपनी लाइनें ले करनी शुरू की। उनकी एक लाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिसको वो ले कर रहे थे यूरोप के अंदर। इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर से वही राग दोहराना शुरू कर दिया कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बनना चाहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता है, और ऐसा होने की स्थिति में अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो अमेरिकन फौजें वो यूक्रेन में आकर के बस जाएंगी, यूक्रेन में आकर के अपना अड्डा बना लेंगी, और यूक्रेन की बॉर्डर से मॉस्को केवल कुछ 100 किलोमीटर दूर रह जाता है, जो कि रूस के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। शुरू में रूस ने चेतावनियां दी, चेतावनियों से यूक्रेन नहीं माना तो उन्होंने अपनी सेनाओं को मोल्दोवा और बेलारूस में और यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर तैनात कर दिया, जो कि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं युद्धाभ्यास के नाम पर एक बड़ी तादाद में रूस की सेनाएं वहां तैनात हैं। इसके बाद जब स्थिति नहीं सुधरी और अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने बार बार एक वार मॉन्गरिंग जिसको हम बोलते हैं, युद्ध की जैसे अफवाहें फैला फैला करके अमेरिका रूस अटैक करने वाला है, रूस अटैक करने वाला, और चीजों को बिगाड़ दिया, तो रूस ने कल रात एक अपनी मीटिंग करके उन्होंने अनाउंस किया कि भाई डोनेट्स्क और लुशंक जहां पर अभी विद्रोहियों का शासन है इसको उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। अब इस मान्यता का अर्थ क्या है हम समझेंगे। इस मान्यता के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि ये रूस ने यह संदेश दिया यूक्रेन को कि भाई आपके इलाके को हम, आपकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, आपकी जो संप्रभुता है उसको हम तोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर यूक्रेन इसके बावजूद भी नाटो के साथ जाता है तो रूस ने यूक्रेन और रूस के बीच में ये बफर जोन क्रिएट कर दिया, ये डोनेट्स्क और लुशंक यूक्रेन और रूस के बीच में पड़ते हैं, तो ये बफर जोन है नाटो और रूस के बीच में। तो अब नाटो की जो फौजें हैं उनकी डायरेक्ट एक्सेस, उनका सीधा जो संपर्क है वो रूस से नहीं हो पाएगा, बीच में ये दो देश खड़े हो गए हैं। तो दोनों एम्स ने अचीव कर लिए हैं। और आखिरी बात हम करते हैं अभी, व्हाट इज इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, 8 प्रांत हैं यूक्रेन के जहां पर रूसी बहुत बड़ी तादाद में है और जो चाहते हैं कि वो यूक्रेन से अलग हो जाए। क्रीमिया, दोनेत्स्क, लुशंक ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। हमारे पास जो बाकी 5 प्रांत बचते हैं उसमें खार्किव एक प्रांत है जहां पर अभी थोड़े प्रदर्शन शुरू हो गए।
और मेरा मानना है कि अगले कुछ सालों में या अगले कुछ महीनों में हो सकता है खार्किव भी स्वतंत्र हो जाए, और इस प्रकार से बाकी जो प्रदेश हैं पांच चार वो भी स्वतंत्र हो सकते हैं, और इसको हम कहेंगे रशिया की सलामी स्लाइसिंग। आप किसी को एक बार में नहीं मारते हैं, आप धीरे 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 उसके टुकड़े करके मारते हैं। तो अगर ये 8 के 8 प्रोविंस यूक्रेन से अलग हो जाएंगे तो यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और जिस अर्थव्यवस्था के नाम पर वो नाटो से जुड़ना चाहता है, जिस अर्थव्यवस्था के नाम पर वो व्यापार करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा बनना चाहता है, वो अर्थव्यवस्था जब चरमरा करके ही ढह जाएगी तो यूक्रेन कहीं कहीं नहीं बचेगा। एक दूसरी संभावना भी है, हमने इतिहास में देखा है कि अमेरिका ने जहां कहीं भी अपना हाथ डाला है वो इलाका बर्बाद हो गया, चाहे आप वियतनाम को देखें, चाहे आप अफगानिस्तान को देखें, चाहे आप गल्फ वार के इराक को देखें, चाहे आप लीबिया को देखें, चाहे आप सीरिया को देखें, तो वो इलाके बर्बाद हो गए हैं। और मेरा खुद का डर ये है कि अगर स्थिति ऐसी चलती रही तो शायद यूक्रेन अफगानिस्तान ना बन जाए। रसिया यूक्रेन को अपने में मिला नहीं रहा है, यूक्रेन को कई हिस्सों में बांट रहा है। नहीं, रशिया ने यूक्रेन के किसी भी हिस्से को अभी तक अपने अंदर में नहीं मिलाया है। उसने 2014 में क्रीमिया को आजाद किया था और आज भी उसने क्रीमिया को एक स्वतंत्र प्रदेश के तौर पर रखा है। उसने जब डोनेत्स्क और लुचांग को आजाद कराने की बात की कल रात, तो उसने इनकी स्वतंत्र सरकारों को मान्यता दी है, उनको अपने अंदर शामिल करने के लिए कोई भी उसने कार्रवाई नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया इनको अपने अंदर शामिल करेगा। तो क्या रूस की तरह चीन भी ताइवान को लेकर हरकत कर सकता है? चाइना की हरकत को आप इस बारे में नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग केस हैं। यहां पर जो केस है यूक्रेन का और रशिया का वो एक बिल्कुल अलग केस है। यहां पर लैंड बॉर्डर्स हैं, ताइवान के केस में लैंड बॉर्डर नहीं है, बीच में आपके पास ताइवान स्टेट है, समुद्र है। और दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है कि ताइवान में अमेरिकी सेनाएं बैठी हुई हैं, यूक्रेन के अंदर अमेरिकी सेना नहीं बैठी थी। तो ताइवान में अगर चाइना हमला करता है तो वो सीधे सीधे अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती देना होगा। द सूत्रधार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रिटायर्ड मेजर अमित बंसल, जिन्होंने आसान भाषा में आपको रूस और यूक्रेन को लेकर जारी विवाद पर विस्तार से जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई कहानी व वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहें द सूत्रधार।